हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, कक्षा 10वीं के एनएएस सर्वे एग्जाम चल रहे हैं, उसी क्रम में मैं हिंदी विषय का यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रश्न पत्र लेकर के आया हूँ। बच्चों, एनएएस सर्वे एग्जाम आप लोगों को सभी को देना है, 12 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा समझा करके मैंने यहाँ आपके लिए सॉल्व किया है, तो देख लेते हैं फटाफट जो आपके प्रश्न उत्तर हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, पहला प्रश्न आ रहा है, दिए गए पक्षी का नाम चुनना है, ये कौन सा पक्षी है? तो देख लें, ये तो आपको स्पष्ट है कि वह पक्षी है, देखिए इसकी टांगें बड़ी बड़ी हैं, ये है कहलाता है शुतुरमुर्ग। ठीक है, हंस पानी में रहता, मोर आपने देखा है, सारस भी हंस के टाइप का ही पक्षी होता है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ये शुतुरमुर्ग है। तो दूसरा है, किस व्यक्ति का काम गाड़ी चलाने वाले के समान होता है? तो गाड़ी चलाने वाले को धोबी, वैज्ञानिक, वकील तो नहीं कहते, ये कहलाता है विमान चालक, मतलब कि इंग्लिश में पायलट बोला जाता है। ठीक है, तीसरा है, वाक्य को पूरा करने के लिए सही वर्तनी वाला शब्द चुने, हम शब्दों के अर्थ खाल स्थान में खोजते हैं, तो वो खोजते हैं शब्दकोश में। अब यहाँ शब्दकोश की जो सही स्पेलिंग है, जो मतलब सही वर्ण है, शब्द है, किस तरीके से लिखा जाएगा, तो इसमें देखिए पहला गलत है, तीसरा गलत है, चौथा भी गलत है, मतलब कि बी वाला ऑप्शन सही है। तो शब्दकोश किस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से, चौथा है, नीचे लिख दिए गए शब्दों की जोड़ी में से कौन सा जोड़ा विलोम शब्दों का है, अल्प का, कमी, मतलब दोनों एक से हैं, मुनाफा लाभ ये भी एक से है, उभारना चढ़ाना एक सा है, विविधता और समानता चौथा वाला है, जो वो विलोम शब्दों का है। ठीक है, विविधता और समानता, अलग अलग और एक सा। ठीक है, पांचवा है, वाक्यों में दिए रेखांकित शब्दों से किसका अर्थ असली से मिलता है, यद्यपि मूर्ति नकली थी परंतु वह अमूल्य, विशुद्ध, खरी, प्राचीन नजर आती थी। तो इसका जो होगा सही शब्द आपको पता करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, विशुद्ध या खरी। फिर छठवां वाला प्रश्न देख लेते हैं, नीना ने एक शाम को जो भी काम किए वे इस प्रकार से हैं, उसने अपने कपड़े बदले, उसने कमरे की बत्ती बुझाई, नीना बहुत थकी हुई थी, व्यवस्था पर आकर लेट गई और सो गई। तो इसका उत्तर बनेगा कैसे, कि नीना बहुत थकी हुई थी, उसने अपने कपड़े बदले, कमरे की बत्ती बुझाई और बिस्तर पर आकर लेटी और सो गई। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन है वो होगा सही। बच्चों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभियोग पत्र, अभियोग कब लगाया जाता है, जब किसी के ऊपर बेटा दोष मढ़ा जाता है, तो वो अभियोग पत्र कहलाता है। और उसी के संदर्भ में है कि किसी आरोप पर विचार जो करना, डी वाला ऑप्शन है, वो अभियोग पत्र, मतलब अपने आरोप के ऊपर जो आप सफाई देना चाहते हैं। खरगोश ने कहा यह पचरंगा है, पचरंगा मतलब पांच रंगों वाला, पचरंगा है पांच रंगों वाला, तो ये हो जाएगा इसका, ये होगा बेटा कर्मधारय समास का उदाहरण, यदि पचरंगा आ जाता है। नौवा है, इसको आप देखें, सोने पर सुहागा। ठीक है, तो सोने पर सुहागे का अर्थ क्या होता है, बहुत भारी, एक और लाभ, बहुत महंगा, बहुत स्वादिष्ट हो, तो सोने पर सुहागा मतलब एक और लाभ हो गया। दसवा देख लीजिए, मेरी कक्षा में पढ़ने वाले जुड़वा भाई कितने अलग हैं, छोटा भाई बहुत ही खालिस्तान है जबकि बड़ा भाई चंचल है, तो चंचल के साथ क्या होगा यहाँ पे, गंभीर, क्योंकि चंचल के अपोजिट की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, गंभीर। ग्यारहवा है, पूरा पढ़िए, नौकर मेरे दादाजी के लिए काम नहीं करना चाहते, क्योंकि जब भी वे मेरे घर छोड़कर जाते हैं तो मेरे दादाजी उनकी थैलियों की जांच यह पता लगाने के लिए करते हैं कि उन्होंने कुछ चुराया तो नहीं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि मेरे दादाजी खालिस्तान हैं। कैसे हैं, संदेही, शक करते हैं हर किसी के ऊपर, डाउटफुल व्यक्ति हैं, तो वो होगा संदेही। ग्यारहवा हो गया। बारहवा देख लें, नीचे दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुने, अदा को पहले लगा कि वह चाबी हाल खालिस्तान किसी दरवाजे की है, हॉल के। ठीक है बच्चों, यहाँ के आएगा। तेरवा है, नीचे दिए वाक्य को पूरा करने की सही विकल्प, जब सूरज की किरणें ओस की बूंदों पर गिरी तो वे खालिस्तान थी। ठीक है, तो कैसी थी, दमकेंगी, दमकने लगी, दमकती थी, दमक रही हैं। चौथा ऑप्शन रहा, तो यहाँ पे उत्तर होगा बी वाला, दमकने लगी जैसे ही गिरी। चौदवा है, अवांछित के समान, अवांछित मतलब कि जो अनुपयुक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अद्भुत, आदर्श, अनदेखा या अनचाहा, तो यहाँ पे उत्तर होगा अनचाहा। नीचे लिखे वाक्य में किस भाग में गलती है, जब मैं स्कूल जाने वाला हूँ तब अपने मित्र को मिठाई दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, जब मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है, तब इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या है, मैं स्कूल जाने वाला हूँ, ये होगा, मैं स्कूल जाने वाला हूँ तब अपने मित्र को मिठाई दे दूंगा। सोलवा है, यहाँ पे आपको शब्द बनाना है, तो निर्बल, निर्गति, तो निर्गति कोई वर्ड नहीं होता, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन, प्र से, प्रबल, प्रगति, प्रयोग और प्रजाति, एक ऐसा आपको ढूंढना था शब्द जिससे सारे अर्थ बन जाए। सत्रवा है, दिए गए वाक्य पूरा करने की सही विकल्प, उसने सोने की चाबी को ताले में खालिस्तान, तो क्या हुआ, लगाया, और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ठीक है, फिर 18वां है, रेखांकित शब्द के समान अर्थ वाला, तो मूल, मूल मतलब क्या होगा, मूल मतलब होता है बच्चों वास्तविक, सी वाला ऑप्शन के ऊपर बुनियादी जो दिया हुआ है, बी वाला ऑप्शन वो सही है 18वें का भी।
19वां देख लें आप, नीचे दिए गए वाक्यों में किस वाक्य में रेखांक शब्द का सही प्रकार प्रयोग हुआ है। वह एक हाथ में दो से अधिक कटोरी नहीं पकड़ पाया, कृपया इन 6 बाल्टियों को पानी से भर दीजिए। मतलब कि देखिए, अब या तो वो बोल रहे थे कृपया इन 6 बाल्टियों को पानी से भर दीजिए, या अभी 6 बोलने की आवश्यकता नहीं है, सीधा लिखते वो कृपया इन बाल्टियों में पानी भर दीजिए। तो जो यहाँ पे अलग टाइप का है ये है बी वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपका 19वें का हो जाएगा बी वाला। 20वां देख लेते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों के ध्यान से पढ़ें। मेरे माता पिता की यही कामना है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं। मेरी एक अभिलाषा है कि भगवान मुझे अच्छी गाड़ी दिला दें। मेरे दादाजी की लालसा, तो देखिए सब चीज़ों में कामना अभिलाषा लालसा ये पर्यायवाची हैं किस वर्ड के, तो ये है बच्चों इच्छा विश, ठीक है, इंग्लिश वर्ड है विश। 21वां जन्म अंध का समास विग्रह, जन्म से अंधा, इनमें से कौन से शब्द का समास विग्रह होगा, तो देखिए जन्म से अंधा यहाँ पे क्या बता रहे हैं, प्रथम पद है। देखिए आपको यहाँ पे समास का ये शब्द है, उदाहरण है, तो जैसे यहाँ पे देखें ऋण से मुक्त, जन्म से अंधा, इसी तरीके से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा 21वें का सी। बाकी ब्रह्मपुत्र, पीताम्बर, नीलकंठ, ये तो अलग समास हो गए, ऋण मुक्त यहाँ ऑप्शन सही होगा। 22वां है उन यात्रियों को गाँव के दूसरी तरफ पहुँचने के लिए घने जंगल से गुजरना पड़ा, ठीक है, घने जंगल से गुजरना पड़ा। 23वां है नीचे दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुने। जैसे ही शिकारियों ने गोली चलाई शेर खालिस्तान भागकर छिप गया, तो शेर क्या होगा, आराम से नहीं, अचानक नहीं, डर नहीं, यहाँ पे तुरंत, तो देखें उत्तर होगा शेर तुरंत भागकर छिप गया, तो इसका 23वें को हो जाएगा उत्तर ए। आपको इनको बहुत अच्छे से समझना और पढ़ना है क्योंकि पेपर में आपके इसी टाइप से प्रश्न आएंगे। हाँ, मैं इस शहर में पिछले 8 सालों से रह रहा हूँ, मैं जून 1997 में यहाँ आया था, तो ठीक है सी वाला ऑप्शन सी। और मैं 25वां नीचे दिए वाक्यों का प्रत्यक्ष कथन के रूप में कैसे लिखा जाएगा, तो इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा रे जॉन हॉक ने स्पष्ट संदेश यह है कि पूरे विश्व में ग्लेशियरों का भार काफ़ी घटेगा, इसका उत्तर होगा सी, ठीक है, ग्लेशियरों का भार घटने वाला है। 26वां नीचे दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुने। लगता है अनाज के दाने कुछ दिनों में खराब होने वाले हैं, ठीक है, ये आ गया 26वें का ए। 27वां भारत सरकार ने भी खजाने को खूब खोजा पर कुछ हाथ न लगा, वाक्य एक संयुक्त वाक्य है, इसे बिना अर्थ बदले सरल वाक्य में कैसे लिखा जाएगा, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका डी वाला, भारत सरकार द्वारा भी खजाने को खोजने में कोशिशें असफल रहीं। फिर 27वां ये तो वही है। 28वां तुम्हें और मेहनत करनी होगी, खालिस्तान तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तो नहीं तो, ठीक है, तुम्हें और मेहनत करनी होगी, नहीं तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। सुनने से ही, पढ़ने से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा, आप देख लें, इनको तैयार कर लीजिएगा बच्चों। एनएएस सर्वे एग्जाम आपका 12 नवंबर को है, पूरी इंडिया में एनसीईआरटी पैटर्न पे ये पूरे इंडिया में ही होगा, नेशनल अचीवमेंट सर्वे है क्योंकि, ठीक है। 29वां है, अरे इतना सुंदर चित्र खालिस्तान बनाया सौरभ ने पूछा, तो अब होगा क्या, किसने बनाया, ठीक है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, किसने बनाया, तो यहाँ पे आ जाएगा सी वाला ऑप्शन। 30वां वह विकल्प चुने जो दिए गए वाक्यों को सही तरीके से जोड़ता हो, श्रोताओं को अपने भाषण से प्रभावित करने के लिए यह जरूरी है कि वह व्यक्ति विद्वान हो, इसका उत्तर देख लीजिए, इसका उत्तर होगा आपका ए वाला, यदि वह विद्वान नहीं होगा तो श्रोताओं को अच्छे भाषण से प्रभावित नहीं कर पाएगा। 31वां उस लड़के ने बस में खालिस्तान पैसे खो दिए, तो क्या खो दिए, अपने पैसे खो दिए। 32वां वह वाक्य चुने जिसमें विराम चिन्ह की गलती ना हो, विराम चिन्ह की गलती नहीं होनी चाहिए, देखिए विराम चिन्ह क्या होते हैं आपको मालूम होना चाहिए, तो यहाँ पे केवल आपको मैं आंसर बताऊंगा ये, क्योंकि चिन्ह वाला टॉपिक है, तो चिन्ह वाले में यहाँ देखिए कौन सी जगह पे आपको गलत दिख रही है। देखिए वक्ता ने कहा बस को पहाड़ पर चढ़ने में 5 घंटे लगे, तो यहाँ पे देखिए बस से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुआ और केवल लास्ट में लगेगा, तो उत्तर नंबर डी सही होगा, बीच में कहीं कॉमा लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, बात पूरी हो रही है। क्योंकि 33वां है रमेश ने चलती गाड़ी में एक आदमी का हाथ साफ कर दिया, रेखांकित मुहावरे का अर्थ वही होगा कि क्या हाथ का जादू दिखाया या सारा सामान चुरा लिया, तो उसका उत्तर होगा डी वाला। 34वां दो वह विकल्प चुने दिए गए वाक्यों में सही तरीके से जुड़ता हो, दोनों दुकान में गए, वहाँ उन्होंने कुर्ता देखा, उन्होंने कुर्ते का दाम पूछा और पैसे देकर वह कुर्ता खरीद लिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला, उन दोनों ने दुकान में जाकर एक कुर्ता देखा, उसका दाम पूछा और पैसे देकर कुर्ता खरीद लिया। 35वां देखें ये है, एक लड़की रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी का इंतजार कर रही थी, समय बिताने के लिए उसने एक किताब खरीदी, किताब के साथ उसने बिस्कुट का एक पैकेट भी खरीदा, फिर उसने रेलवे स्टेशन के मुख्य भवन में एक जगह ढूंढी, वहाँ जाकर बैठकर शांति से किताब पढ़ सके, पास ही एक आदमी
में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। उन दोनों के बीच में एक कुर्सी थी जिस पर बिस्कुट का पैकेट रखा था। जब लड़की ने पहला बिस्कुट लिया तो साथी ने भी एक बिस्कुट लिया। इस बात पर लड़की को बहुत आश्चर्य हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा और अपनी किताब पढ़ती रही। मन ही मन उसने सोचा, विश्वास नहीं होता, अगर मुझ में थोड़ी हिम्मत होती तो इस आदमी को जरूर टोंकती। जब भी लड़की बिस्कुट लेती वह आदमी बिस्कुट लेता। यह सिलसिला चलता रहा। अंततः पैकेट में केवल एक बिस्कुट बचा। लड़की ने इंतजार किया, वह सोच रही थी अब यह आदमी क्या करेगा। उस आदमी ने आखिरी बिस्कुट उठाया, उसके दो आधे आधे हिस्से की एक लड़के को दे दिया। हैरान होकर लड़की ने किताब अपने झोले में पटके गुस्से से उठकर चली गई। मुख्य भवन के दूसरे छोर पर उसे बैठने के लिए एक जगह मिली। वहां बैठकर उसने अपने आप को शांत किया। गुस्सा ठंडे होने के बाद उसने किताब को निकालने के लिए अपने झोले में हाथ डाला। तब उसे ध्यान आया कि उसने जो बिस्किट का पैकेट खरीदा था वह तो अब उसके झोले में ही पड़ा हुआ है, वह अब भी उसके झोले में पड़ा हुआ है। तो ये पूरा गद्यांश था, इसको आप पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद इस गद्यांश से जुड़ा कुछ प्रश्न उत्तर है, उनका उत्तर आपको देना है। बच्चों अच्छे से समझिएगा, समझा रहा हूँ। तो क्या है कहानी की शुरुआत में लड़की क्या कर रही थी, तो क्या कर रही थी, रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रही थी। रेलवे स्टेशन से जाने वाली थी तो इसका पहला ही ऑप्शन है, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। फिर कहानी के बीच में लड़की मन ही मन सोचती है, विश्वास नहीं होता, लड़की को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये एक अजनबी उससे पूछे बिना बिस्कुट ले रहा था, मतलब उसके साथ जो बैठा था वो उसका बिस्कुट खा रहा था, उसको इसको लेकर टेंशन थी। फिर कल्पना कीजिए कि कहानी जहाँ खत्म होती है उसके कुछ क्षणों बाद उस लड़की और उस अजनबी की फिर मुलाकात होती है। वह लड़की उस आदमी से क्या कह सकती है, वो क्या कहेगी, क्षमा मांगेगी ना उससे कि क्षमा कीजिए मैंने आपको बिस्कुट नहीं दिए, या मैं माफ़ी चाहती हूँ मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया। ठीक है, 38वां देख लीजिएगा, लड़की को अपनी गलती का एहसास कब हुआ, कब हुआ बेटा, जब उसने अपने पैकेट बिस्किट का को अपने पैक झोले में देखा। सी वाला ऑप्शन, जब उसे बिस्किट का पैकेट अपने झोले में मिला। फिर है अगला, यदि हम ज़्यादा देर तक और ज़्यादा जोर लगाकर मंजन करें तो क्या हमारे दांत ज़्यादा साफ हो जाएंगे। ब्रिटिश शोधार्थी कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है। उन्होंने विभिन्न प्रयोग करने के बाद मंजन करने का सबसे सही तरीका ढूंढ निकाला है। 2 मिनट के लिए अधिक जोर न लगाते हुए मंजन किया जाए तो सर्वोत्तम परिणाम मिलते हैं। अधिक जोर लगाने से दांतों की ऊपरी परत और मसूड़ों को नुकसान होता है, जबकि दांतों में फंसे मैल और अन्य कणों पर उसका कोई असर नहीं होता। मंजन करने के विशेषज्ञ बोलते हैं कि दांतों के ब्रश को कलम की तरह पकड़ना चाहिए। वे कहते हैं एक कोने से शुरू करो, फिर दांतों की पूरी पंक्ति का मंजन करें। अपनी जीभ को भी साफ करना ना भूलें क्योंकि ये बदबू पैदा करते हैं। इसका उत्तर देख लें, यह लेख किस विषय पर लिखा गया है, तो इसका उत्तर आप देख लें, जो 39वां है, 39वें का आंसर क्या होगा, पहला वाला, दंत मंजन करने का सबसे अच्छा तरीका। फिर 40वां, ब्रिटिश शोधार्थी क्या राय देते हैं, ब्रिटिश शोधार्थी क्या राय देते हैं कि मंजन करते समय दांतों को ज़्यादा जोर से नहीं घिसना चाहिए। 41वां है, बेनली हैसन के अनुसार हमें अपनी जीभ क्यों साफ करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, सांस की बदबू नहीं आती। पूरा आप गद्यांश पढ़ेंगे तो उत्तर आपसे बन जाएगा। फिर है गद्यांश में कलम का उल्लेख क्यों किया गया, क्योंकि कलम और ब्रश जो होती है दोनों का प्रयोग एक ही कोने से किया जाता है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर होगा वो आपका देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या कि पहला वाला है, यह समझने के लिए कि ब्रश कैसे पकड़ना चाहिए, ब्रश को कैसे पकड़ें जैसे कलम पकड़ते हैं। फिर गद्यांश फिर से देखें, जब तक कि जतन मेरे परम मित्र सुधांशु के पड़ोस में आकर नहीं रहने लगा था, तब तक गर्मी के दिनों में मुझे मेरे लिए शानदार थे। मुझे जतन पसंद नहीं था, वह उसके यहाँ दावत थी जिसमें उसने सुधांशु को निमंत्रण दिया पर मुझे नहीं। जब तक जतन हमारे पड़ोस में नहीं आया था तब तक मेरे जीवन में कोई शत्रु नहीं था। पिताजी ने मुझसे कहा कि जब मेरी उम्र के थे तब उनके भी कुछ दुश्मन हुआ करते थे, पर दुश्मनों से पीछे छुड़ाने का तरीका मालूम था। उन्होंने एक कागज का टुकड़ा निकाला, शत्रु हलवा। उन्होंने संतुष्ट स्वर में कहा, आप सोच रहे होंगे कि आखिर शत्रु हलवा क्या होता है। जी ने कहा कि उसे बनाने की विधि इतनी गुप्त है कि वे मुझे भी नहीं बता सकते। ये पूरी एक कहानी है, इसको आप पढ़िएगा, इसमें पूरा बता रहे हैं कि उनके पिताजी क्या करते हैं, शत्रु हलवा जैसी एक रेसिपी बनाने लगते हैं। अब वो लड़का जो रहता है बच्चों, वो जतिन जो मतलब जो लड़का है, देखिए जतिन जो है वो उसका दुश्मन है, सुधांशु उसका पड़ोसी है, और ये बोल रहे हैं आगे कि मैं बाहर खेलने चला गया। उसके पिताजी ने बोला उससे, पूरी कहानी इसमें ये है कि उसके पिताजी उसके दोस्त से दुश्मन से निपटने के लिए उसको एक सलाह दे रहे हैं। वो बोलते हैं लास्ट में कि तुम एक काम करो, आज एक दिन अपने दुश्मन के साथ बिताओ, फिर उसको यहाँ पर लेकर के आना और उसको ये जो मैंने शत्रु हलवा बताया है वो उसको खिलाऊंगा। अब वो जो रहा लड़का रहा जो ये कहानी सुना रहा है, उसका एक्चुअल दिनेश नाम था, वो कहानी सुना रहा है, वो शत्रु हलवा को लेके बहुत टेंशन में आ जाता है कि शत्रु हलवा क्या चीज़ है, उसमें कोई जहर मिला है, उसको खाने से लोगों के बाल झड़ जाते हैं या उनकी मौत हो जाती है। एवरीथिंग, वो जो कुछ भी उसके दिमाग में आ रहा था बच्चों, वो सब कुछ उसके बारे में कल्पना कर रहा था। और इसी कल्पना को करते हुए देखें, यहाँ पे आखिरी लाइन देखें, क्या तुम बाहर आकर खेल सकते हो, मैंने पूछा। तो किसने पूछा ये बात, दिनेश ने पूछी थी किससे, जतन से।
तो जतिन जो रहा उसके लिए साथ में आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है, बस मुझे एक दिन जतिन के साथ बताना होगा। ये पूरी कहानी चल रही है जो कि जो आपके सामने है। वह दुविधा में पड़ गया, वह अपनी माँ से पूछ कर आता है। ऐसा कहकर उसने जूते वापस पहन कर आ गया। हमने कुछ देर साइकिल चलाई, फिर दोपहर का भोजन किया। भोजन के बाद हम मेरे घर चले गए। विचित्र बात यह थी कि मेरे शत्रु के साथ मुझे मज़ा आ रहा था। इस कहानी में होता यह है कि उसके पिताजी उसको बोलते हैं कि तुम अपने दुश्मन के साथ एक दिन बताओ, और जब वो उस अपने दुश्मन के साथ एक दिन बिता लेता है तो उस लड़के मतलब दिनेश के हाव भाव बदल जाते हैं, और उसे ये लगता है कि जो वो अपने दुश्मन मतलब कि अपने दोस्त जतिन के लिए जो उसका दुश्मन बन चुका था, उसके लिए भावनाएं रखा था, वो सारी मिथ्या थी, गलत थी, और वो अपने दोस्त को ज़बरदस्ती अपना दुश्मन मान रहा था। जब वो अपने दोस्त को लेके अपने घर पहुंचता है तो पिताजी उसको वही शत्रु हलवा खाने के लिए दे देते हैं। तो जो दिनेश नाम का लड़का है वो ये सोचता है कि शत्रु हलवा में कुछ ना कुछ बुरी चीज़ मिली होगी जिससे जतिन की मौत हो जाएगी। तो अंत में होता ये है बच्चों कि वो अपने दोस्त जतिन को वो हलवा खाने से रोक देता है। ठीक है, हलवा खाने से रोक देता। देखिए यहाँ पे जब तक शत्रु हलवे का सवाल है, मुझे अब भी वह बनाना नहीं आता। अच्छा, यहाँ पे दिनेश के मन में एक चीज़ और चल रही थी कि उसके पिताजी ने जो शत्रु हलवा बनाया था बच्चों, क्या वो शत्रु हलवा में जहर मिला था। उसको कुछ भी आइडिया नहीं था कि उसके पिताजी ने वो शत्रु हलवा नाम की जो चीज़ बनाई उसमें ऐसा क्या है, क्या मिला हुआ है। वो बहुत टेंस में था, बहुत ज़्यादा चिंतित था कि उस हलवे में ऐसा क्या है, यही ख्याल आ रहे थे। लास्ट में होता ये है कि वो उसके पिताजी ये कह देते हैं कि आप जतिन को भी घर पे खाने पे बुलाना। तो जब वो जतिन को लेकर के आता है तो पूरी ये कहानी है। तो इसमें लिखा है, यह कहानी कौन सुना रहा है, जतिन, पिताजी, सुधांशु या दिनेश? तो बच्चा दिनेश सुना रहा है। दिनेश को क्यों लगा कि इस बार भी गर्मी के दिन शानदार रहेंगे, क्योंकि उसे बाहर खेलना पसंद था, उसके पिताजी की योजना से उम्मीद थी, उसे नया दोस्त बनाया था, उसको शत्रु हलवा चखना था। तो बच्चों इसका उत्तर होगा बी वाला, उसे पिताजी की योजना से बहुत उम्मीद थी। फिर 45 है, दिनेश जतिन के घर क्यों गया, इसलिए गया था, क्यों गया था, उसको आमंत्रण देने के लिए, जतिन को भोजन का आमंत्रण देने, जो उसके पिताजी ने शत्रु हलवा बनाया था उसके लिए, या फिर है इसका उत्तर सीधे देख लें आप सी वाला, जतिन के साथ खेलने के लिए। 46वां है, रात के भोजन के समय दिनेश को ऐसा क्यों लगा कि उसे और उसके पिताजी को शत्रु हलवे के बारे में भूल जाना चाहिए, क्योंकि उसका व्यवहार चेंज हो गया था, जतिन उसे पसंद आने लगा था। सी वाला ऑप्शन, ये है सी वाला ऑप्शन। फिर है, पिताजी ने शत्रु हलवे के बारे में कौन सी बात गुप्त रखी, तो यही कि वो हलवा कोई शत्रु हलवा नहीं है, कोई जहर नहीं मिला, वो एक नॉर्मल हलवा है। ठीक है, जैसे हलवा बनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, वह सामान्य हलवे के जैसा था। ठीक है, फिर अगला अध्यांश पढ़ें आप। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों में मध्य एशिया के 14 पर्वत हैं जो समुद्र तल से 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर है। इनमें सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है जो 8848 मीटर तक पहुंचता है। वह पर्वत जो कि हिमालय श्रृंखला का हिस्सा है, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। 20वीं शताब्दी के पहले भाग में विभिन्न देशों के कई लोगों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की, पर वे असफल रहे। अंततः 1953 में न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाली शेरपा तेंजिंग नार्गे इसके शिखर पर पहुंच गए। इसके बाद क्या है, 1963 के बाद कई लोगों ने भी पर्वतारोहण के अलग अलग तरीकों से इसके शिखर पर पहुंचने का प्रयास किया। एक तरीका था बिना ऑक्सीजन के शिखर तक पहुंचना, यह मुश्किल माना जाता था क्योंकि उसकी ऊंचाई पर पहुंचने पर सिर दर्द, उल्टी, बहुत सारी दिक्कत हो जाती थी। 1978 में रेनमंड मैसलर और पीटर हैबलर सबसे पहले व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़े। लंबे समय तक जो लोग माउंट एवरेस्ट पर बड़े समूहों में खूब सारा सामान लेकर चढ़े, इस तरीके को पोलर स्टाइल कहा जाता। कौन सी चीज़ है पोलर स्टाइल, जब बहुत सारा साथ में तंबू खाने पीने की चीज़ लेकर चलें, क्योंकि उत्तर दक्षिण ध्रुव तक खोज जाने पर यह जाने वाले लोग इस तरीके का प्रयोग करते हैं, पोलर स्टाइल में पर्वतारोहण वाले समूह। ये पूरा लिखा हुआ है बच्चों, इस पूरे पैराग्राफ में माउंट एवरेस्ट से जुड़ी बातें बताई गई हैं कि माउंट एवरेस्ट क्या है, यहाँ पे लोग किस तरीके से जाते हैं, और जब वो जाते हैं तो अपने साथ कौन कौन से सामान लेके जाते हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के बारे में एक बात और है कि व्यक्ति जो चढ़ने वाले लोग हैं वो बदलते रहते हैं, पर पहाड़ कभी नहीं बदलता, पहाड़ तो जश का दस है। तो अब प्रश्नोत्तर देख लें, इनमें से किस वाक्य में गद्यांश के अंतिम पंक्तियों का सार है कि पर्वत उनका सम्मान करता है, उस पर चढ़ते हैं पर्वत उन पर कपालू, तो यही है डी वाला, पर्वत चढ़ने वालों को बदल देता है पर स्वयं नहीं बदलता, मतलब लोग बदलते रहते हैं वो तो ज्यों का त्यों रहता है। फिर पोलर स्टाइल की क्या विशेषता है, तो पोलर स्टाइल में क्या किया जाता है बच्चों, बहुत सारा सामान लेके जो लोग चलते हैं, ढेर सारा भोजन लिए बड़े हुए, ये वाला आपका ए वाला ऑप्शन। बच्चों थोड़ा शोर हो रहा है मेरे आसपास यहाँ पे, क्योंकि दिक्कत है यहाँ पे। फिर अब देख लें, 50वां माउंट एवरेस्ट सुप्रसिद्ध क्यों है, क्यों है भैया, क्योंकि यह समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर है। 51 है, रेनहोल्ड मेसनर को सुपरमैन क्यों कहा गया,
तो इसका उत्तर आप देख लीजिए, इसका उत्तर जो होगा बी वाला, क्योंकि 8000 मीटर ऊंचाई पर सभी पर्वतों की चढ़ाई की थी, मतलब वो बहुत सारे पर्वत चढ़ चुके थे। अब इस अध्ययन से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के कितने तरीके बताए गए हैं, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बच्चों दो तरीकों का उल्लेख किया गया था। अब अगला प्रश्न देख लें आप, यहाँ एक पोस्टर है, सड़क सुरक्षा का पाठ आपके लिए बहुत जरूरी है, दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं के लिए गर्मियों की छुट्टियों में ग्रीष्म शिविर का आयोजन किया जा रहा है, 5 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर 18 मई 2015 शुरू होगा, छात्र छात्राओं को नीचे दिए गए विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, मैनुअल ट्रैफिक ड्रिल, यातायात नियम, सड़क संकेतक, प्राथमिक उपचार, आत्मरक्षा, फिर है योग्यता क्या चाहिए, 6वीं से 12वीं तक, स्थान है, समय है सोमवार से शुक्रवार, 9 से 12, स्थान है पश्चिमी रेंज, उत्तरी रेंज, पूर्वी रेंज, दक्षिणी रेंज, मध्य रेंज, पंजीकरण आरंभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, ग्रीष्म शिविर के मुख्य आकर्षण क्या है, निःशुल्क प्रशिक्षण और नुक्कड़ नाटक, 5वें दिन प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र, भोजन, जलपान, सड़क सुरक्षा चीज़ें। अधिक जानकारी के लिए ये वेबसाइट दी, इस पर आपको मेल करना है, और लिखा हुआ है दिल्ली में किसी वस्तु दस्तावेज के गुम हो जाने पर दिल्ली पुलिस लॉस्ट रिपोर्ट पर आपको इसकी सूचना दे सकते हैं, और ये पूरा दिल्ली पुलिस के द्वारा जारी किया गया। प्रश्न उत्तर देख लें, पोस्टर के अनुसार यदि कभी आपका कोई कानूनी दस्तावेज गुम जाए तो आपको क्या करना चाहिए, तो वही है डी वाला ऑप्शन, दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर लॉस्ट रिपोर्ट आपको दर्ज करानी होगी, खोया पोया वाला सिस्टम, तो इसका होगा डी वाला ऑप्शन, वहाँ पर जाइए लॉस्ट रिपोर्ट में आपको रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए। फिर 54वां है, निखिल को 22 मई 2015 की छुट्टियाँ मनाने अपने गाँव के लिए निकलना है, इसका उत्तर आप देख लें, इसका होगा सी वाला, क्यों, क्योंकि उसका प्रशिक्षण के उसके जाने के दिन खत्म हो जाएगा। फिर है पोस्टर के अनुसार इनमें कौन सी बात सही है, यह भारत सरकार के द्वारा पहल की गई है शिविर में सड़क सुरक्षा, ये पूरा ऑप्शन देख ले, तो डी वाला है, इच्छुक व्यक्ति बताए गए किसी भी ट्रेनिंग पार्क के लिए अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। 56वां शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा था, तो ये किया जा रहा था बच्चों दिल्ली यातायात पुलिस के द्वारा। अब यहाँ पर आपके सामने एक चित्र आने वाला है, उस चित्र को आप बहुत अच्छे से देखिए, एक व्यक्ति का टाइम टेबल है, ये रौनक नाम का लड़का है जो पूरी अपनी सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या को इसमें ग्राफ में इस चित्र के माध्यम से बतलाया है कि सुबह 12 से 1 क्या करता है, 1 से 2 क्या करता है, 2 से 3 क्या करता है, पूरा दिया हुआ है, हर घंटे का उसने हिसाब लिखा है किस टाइम में वो क्या करता है, ये था उसका टाइम टेबल। ये टाइम टेबल बच्चों आप लोगों के लिए बताना जरूरी है, मैं आपको इस तरीके का एक बहुत अच्छा वीडियो बताऊंगा जो आपके टाइम टेबल को मेंटेन करेगा। 57वां का उत्तर देख लें, स्काउट के तुरंत बाद रौनक खालिस्तान, मतलब कि क्या किया था रौनक ने, डी वाला, घर जाकर नहाता और कपड़े बदलता। फिर 58वें का बी वाला ऑप्शन सही है, रात के 8 से 9 वाला पूरा। फिर 59 देख लें, रौनक करीब 1.5 घंटे अपना गृह कार्य खालिस्तान में बिताता है, गृह कार्य करने में बिताता है, ठीक है, बी वाला। फिर 60 है, इस जानकारी से पता चलता है कि रौनक अपने परिवार के साथ आराम करने की बजाय पढ़ने में ज़्यादा समय बिताता है या कम समय बिताता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा आप देख लें, इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, ज़्यादा समय बिताता है, उसका टाइम टेबल पूरा सेटअप बना हुआ है। अब देखें कुछ ग्रामर के क्वेश्चन, सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है, ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ये विधि का विधान है, तो होगा क्या, विधिवाचक वाक्य जिसमें विधि का विधान लग जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं जिसका बच्चों प्रथम पद प्रधान होता है, तो यहाँ पर जो पहला वाला है यथा संभव, यथा शक्ति, इस टाइप के अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। फिर विदेशी सैलानी ताजमहल देखकर खालिस्तान रह गए, कि इसके लिए क्या है, तो खालिस्तान मतलब चकित रह गए या सोचते रह गए, दो में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो इसका होगा उत्तर डी, चकित। फिर गिरिधर, जो गिरिधर को अपने मतलब जिसने पर्वत को अपने उंगली में रखा हुआ है, जो गिरिधर पर्वत को रखता है, तो ये है बेटा बहुव्रीहि समास, इसमें किसकी बात हो रही है, गिरिधर भगवान की बात चल रही है, ठीक है। फिर 65 है, मोहन बस से गया, वाक्य में क्या है, कर्ता अपादान, तो वो है कर्ता ने फिर करण को, और कर्ता ने फिर कर्म को और करण से जान, तो करण कारक, ठीक है, ये आपका एक दोहा है हिंदी ग्रामर का, मैं बता दूंगा आपको बाद में। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, मतलब कि दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान होता है, ठीक है, हर किसी को कि दूसरों को ज्ञान बताना बहुत आसान लगता है। फिर अगला है, किस वाक्य में अपादान कारक है, राम ने रावण को तीर से मारा, ठीक है, हिमालय से गंगा निकलती, मोहन से अब सहा नहीं जाता, चाकू से फल काटो, तो यहाँ पे बच्चे जो अपादान कारक है वो है हिमालय से गंगा निकलती है। फिर है, हो सकता है राम का काम बन जाए, अर्थ के आधार पर उपयुक्त वाक्य क्या है, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, यहाँ हो सकता, सकता मतलब कि कन्फ्यूजन है, तो हो सकता मतलब संदेहवाचक,
फिर मनोयोग का सन्निविच्छेद, तो मनो मतलब मना धन योग, डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। 70वां है, जो किए गए उपकारों को मानता है तो वो कहलाता है बच्चों डी वाला कृतज्ञ। आशा करता हूँ पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, थोड़ा शोर शराबा था उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, आज मैंने दूसरी जगह वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द कोई दूसरे वीडियो के साथ, और NAS एग्जाम की तैयारी आप बहुत अच्छे से कीजिए बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको इसके पेपर को देना ही है 12 नवंबर को। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, गुड बाय।